दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर आपका। सलाम जय मसीह की भाई बहनों। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके। बोलो हालेलुया। आज का जड़ा वचन का टाइटल है कि आपका योगदान क्या है। बोलो हालेलुया। सो सब तो पहला जड़ी है, अज असी हर एक सेवा दे लई, चर्च दे लई, कलीसिया दे लई, पास्टर्स दे लई, वचन दे लई, सुसमाचार दे लई, बोलो हालेलुया। सो ए एक मात्र एहो जी चर्च है जिथे कदे भी किसी नूं दान दशवांश दे प्रति जिहड़ा है कदे भी बार 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 नहीं किया गया। अदरवाइज पहला जाते दान पहला दस देंदे आ, पर इत्थे कदे किसी नूं जिहड़ा है दान या दशवांश दे प्रति। पर मैं तुहानूं दसना चाहना, चाहे असीं किसी भी धर्म या रिलीजन दे विच क्यों ना होईए, सानूं हमेशा जिहड़ा है दान दे प्रति ते दशवांश दे प्रति वड्डे वड्डे भंडारे, बहुत वड्डे वड्डे लंगर चलते ने, उन्हां दे पिछे जिहड़ा है वड्डा फंड ते वड्डा योगदान दानी परमानिया दा हुंदा। बोलो हालेलुया। सो वड्डे वड्डे की हुंदे उन्हां दे पिछे, दानी परमानिया दा योगदान हुंदा। बोलो हालेलुया। सो सारा वचन अज दान ते नहीं है, ना ही दशवांश ते है, पर कुछ गल्लां इस तरह दियां ने जिहड़े साडे जीवन दे विच योगदान करना सिखांदी है। बोलो हालेलुया। सो साडा सेवा दे प्रति योगदान की है, साडा चर्च दे प्रति योगदान की है, साडा कलीसिया दे प्रति योगदान की है, साडा पास्टर दे प्रति योगदान की है, साडा वचन दे प्रति योगदान की है, साडा सुसमाचार दे प्रति योगदान की है। बोलो हालेलुया। अज साडा जिहड़ा है योगदान दी बहुत आवश्यकता है। हुण मैं थोनू क्लीयर करना चाहना कि जदों जिहड़ा है साडी मेहनत दे द्वारा कोई भी जिहड़ा वस्तु बनती है, हुण तुसीं सोचदे होंगे कि परमेश्वर नूं जरूरत है या मनुष्य नूं जरूरत है या पादरी नूं जरूरत है। नहीं, योगदान जिहड़ा है ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਕਰ ਦੂਗਾ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਬਾਪ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਕਰਕੇ ਚਲਾਊਗਾ, ਟੇਢੀ ਬਿੰਗੀ ਕਰਕੇ ਚਲਾਊਗਾ। क्यों चलाऊगा? क्योंकि पैसे की की ओदे कोल घटी नहीं है। पर एक गरीब बाप का जिहड़ा पिता मेहनत मजदूरी करके कमांदा है और उस तो बाद जिहड़ा इकट्ठे पैसे करन तो बाद जिहड़ा अपने बच्चे नूं दवांदा है, जेकर वह बच्चा जिहड़ा अपने पिता दे बारे जानदा है कि भी उसने किस मेहनत की रीति दे नाल जिहड़ा मेरे लिए पैसा कमा के और मैनूं बाइक दवाई है, सो उसकी की है कदर करदा है। बोलो हालेलुया। की करदा है जी? कदर करता है। इस करके कदर नहीं होनी जिस मेहनत इनकलूड नहीं है। करन नूं परमेश्वर बहुत कुछ कर सकता है, डेवलपमेंट कर सकता है, चर्च की डेवलपमेंट कर सकता है, चर्च के समान की डेवलपमेंट कर सकता है, पादरी की डेवलपमेंट कर सकता है, कलीसिया की डेवलपमेंट कर सकता है, सेवा की डेवलपमेंट कर सकता है, सुसमाचार फैलाउन की डेवलपमेंट कर सकता है, पर परमेश्वर ने थोनू ठहराया है इस करके क्योंकि थोड़ी जिहड़ी है योगदान और थोड़ी योग्यता दी जरूरत है परमेश्वर नूं। क्यों जरूरत है? इस करके जरूरत है कि जदों उस मुकाम दे उत्ते तुसी पहुंचदे हो, जदों डेवलपमेंट हो जाती है, जदों डेवलपमेंट हो जाती है, तुसी उस मुकाम ते पहुंचदे हो, थोनूं पता होवे कि इस चीज दी थोनूं कदर होवे। बोलो हालेलुया। जे थोनूं ब्लेसिंग मिलती है तो उसकी थोनूं की होनी चाहिए है? जे थोनू बीमारी तो शिफा मिलती है उसकी की होनी चाहिए है? जे तुसी आने वाले टाइम दे विच एक वर्शिप सिंगर बनते हो तो उसकी थोनू की होनी चाहिए है? इस करके कदर होनी चाहिए है। इस करके परमेश्वर ने जिहड़ा इन्हां कम्मां दे लई किहनू ठहराया जी? सानू ठहराया। कर सकदा है खुदावन, बीमारी नू ठीक कर दूगा खुदावन,
परिस्थिति नु बदल दूगा परमेश्वर। लंगर का इंतजाम भी खुदावन कर सकता है। बोलो हालेलुया। सब चीजों का प्रबंध कौन कर सकता है जी? परमेश्वर कर। सो मैं दसना चाहना कि एकमात्र जिहड़ा जिस चर्च के विच तुसी बैठे हो, कदे दान के विषय के अंदर इस चर्च के अंदर गल नहीं की गई। बोलो हालेलुया। क्योंकि मैं निस्वार्थ सेवा लेके चलिया, पर बाइबल दे जिहड़े सिद्धांत है वो दान लेना दे लई की है अगवाई करते हैं, दसते हैं कि दान लेना भी की है, जरूरी है। क्यों लेना जरूरी है? एक बार एक बहुत वड्डा जिहड़ा है लंगर चलाया गया कि बरसात पै जावे, बरसात पै जावे, पर बरसात नहीं आई। बहुत धनवान लोगों ने जिहड़ा है कट्ठे पैसे कर बरसात की कोशिश की, पर बरसात नहीं हुई। उस तो बाद एक इस तरह का व्यक्ति, वो कहिंदे किसी सियाने ने उन्होंने समझदार ने दस्या भी इहदे विच किसी करन वाले दी मेहनती इंसान की जिहड़ी कमाई नूं पुआओ। उन्होंने एक रिक्शे वाले तो जाके कहा भी तू जो भी योगदान करना चाहना कर। उसने कुछ खुले सिक्कियां दे विच जिस तरह बाइबल दे विच लिखा दो तंबड़ियां दे के जिहड़ा है इस तरीके दे नाल उसने योगदान दिता। ते वो बहुत टाइम तो बारिश तो जिहड़े है तरस रहे सी, अग वांगू झुलसदी हुई गर्मी पै रही सी। ते उस तो बाद की होया, उन्होंने दो तीन बार लंगर लगाए पर लंगर की चले गए, व्यर्थ चले गए। इस तरीके दे नाल जिहड़ा है जदो उन्हां दा उस व्यक्ति दा जिहड़ा मजदूर व्यक्ति दा योगदान पिया ते बारिश उस जगह दे उत्ते पै गई। बोलो हालेलुया। सो मैं कहना चाहना कि कीदा जिहड़ा है प्रतिफल, कीदी मजदूरी जिहड़ी परमेश्वर दे विच प्रतिफल लैके आवे। इस करके सब दा थोड़ा 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 योगदान की है जरूरी है। बोलो हालेलुया। एक सेवा दी मिनिस्ट्री नूं जिहड़ा ए एक्सप्लेन करना है, उस तो पहला मैं ए एक्सप्लेन करा कि मैं थोनू दसना चाहना कि इस चर्च के अंदर कदे भी दान दशवांश से प्रचार नहीं किया गया। अज भी जिहड़ा योग्यता और योगदान के उत्ते प्रचार है, ज्यादा इस चीज़ नूं महत्व नहीं दिता जाऊगा। दान दशवांश इस नूं महत्व नहीं दिता जाऊगा। पर मैं थोनू दसना चाहना कि मैं मेरे पादरी दे नाल गल कीती सी परसों दे विच, ते मैं उन्होंने दस कि मैं जेड़ा अपने एक साल का पूरा सिस्टम लेके चलिया सी, सोच लेके चलिया सी। जिन्हें इत्थे इस जगह दे उत्ते मौजूद बैठे हैं, कोई भी एक भी बंदा कह सकता है जे मैं गलत कह रहा था, मैं एक साल का टारगेट लेके चलिया सी। मैं दान और दशवांश दे उत्ते प्रचार नहीं करूंगा। एक प्रचार तो इलावा अज दूसरा प्रचार है। हालेलुया। क्योंकि बहुत यहो जे पखंडी लोग घूम रहे ने, बहुत यहो जे लोग ने जिहड़े सेवा दे नाम ते जिहड़ा है मेवा पहला ले लैंदे आ ते सेवा बाद दे विच करदे नहीं है। बोलो हालेलुया। सो इस करके जिहड़ा है मैं नहीं चाहता सी कि मेरा भी जिहड़ा है इस तरह दे लोकां दे विच नाम आवे। इस करके मैं जिहड़ा है किसी नूं भी दान दशवांश दे प्रति जिहड़ा है कदे भी इस तरह की गलबात कदे कीती नहीं, क्योंकि मैं निस्वार्थ भाव दे विच सेवा कीती। पर मैं थोनू अजीज मेरे भैणों ते भरावो मैं थोनू दसना चाहना साडी बरकत दा जिहड़ा सोर्स है, जिस तरीके दे नाल नदी दे विच पानी आंदा है ते उस समुंदर दे विचों जिहड़ा है झरनिआं दे राही वर्षा दे राही पहुंचदा है, पहाड़ा तो हुंदा होया नचदा है। इसे तरीके दे नाल जिहड़े उहदे सोर्स है उह मैन सोर्स समुंदर है, वाष्पीकरण है। इसे तरीके दे नाल जिहड़ा मैन सोर्स यह है कि जदों असीं परमेश्वर दे विच योगदान दिंदे हां उह साडा सोर्स है, साडियां बरकतां खुलनियां स्टार्ट हो जांदियां है। आमीन। असीं चाहे किन्ना भी दान चंदा दित्ता होवे, पिछले टाइम दे अंदर मैं बहुत इस तरह दीआं घटनावां देखियां जिन्होंने बहुत खुल के दान दशवांश दिता और दिता, पर उन्होंने जिहड़ा दान चंदा वह सही जगह दे उत्ते एक्सेप्ट नहीं होया। क्योंकि सही जगह की है अज मैं थोड़ा दसना चाहना। बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने जिहड़ा है
वो बारिश दे ले जेड़े है कुछ धनवान लोग की कर रहे सी इकट्ठे करके लंगर लगा रहे सी पर बारिश नहीं पई क्योंकि उन्हों का योगदान परमेश्वर ने कबूल नहीं किया। तुसी पैसे नाल परमेश्वर नु खरीद नहीं सकते क्योंकि यह नहीं है कि तुसी पादरी दी या पास्टर दी जिंदगियां तुसी पैसे दे नाल चला रहे हो या खुदा दे पवन नु तुसी चला रहे हो या परमेश्वर नु तुसी खरीद रहे हो। यह नहीं है कि तुसी परमेश्वर नु खरीद रहे हो। बोलो हालेलुया। क्यों योगदान जरूरी है? इस करके योगदान जरूरी है अगर तुसी मेहनत करते हो। एक बाइबल का प्राइस क्यों क्यों बाइबल की कीमत है सोचा कदे? पढ़ाई की कीमत क्यों है? थोड़े स्कूलों के अंदर चाहे स्कूल सरकारी क्यों ना हो क्यों उसके अंदर छोटा मोटा योगदान लिता जाता है? क्यों बाइबल की कीमत रखी जाती है? जे बाइबल की कीमत नहीं होगी तो रोग जेड़े इस नु की करेंगे धर्म ग्रंथ नु की कर देंगे जी इसकी अहमियत नहीं समझेंगे। लॉटरी दे विच अगर बाइक मिल जूगी तो उसकी अहमियत नहीं समझेंगे। तेज दे विच मोटरसाइकिल मिल जाता उसकी अहमियत नहीं समझते। बोलो हालेलुया। जे खुद मेहनत करके कमा के उस चीज नु लैने तो उसकी अहमियत नु की असी तो इसे करके जिहड़ा है असी वर्शिप सिंगर बन जाइए तो उसकी अहमियत नु जे परमेश्वर सानू बना देवे तो उसकी अहमियत नु असी नहीं समझांगे। बीमारी ठीक हो जूगी उसकी अहमियत नु इस करके उहदे विच साडी मेहनत होनी जरूरी है उहदे विच साडा योगदान होना जरूरी है। बोलो हालेलुया। इस करके हर एक चीज दे विच साडा योगदान परमेश्वर ने क्यों रखा? परमेश्वर नहीं है धनवाना दे पैसे नु जिहड़ा है परमेश्वर भुखा नहीं है उस स्वीकार नहीं करता बल्कि दिलों देण वाले उस मजदूर दा जिहड़ा है दान परमेश्वर ने स्वीकार किया तो उस जगह दे उत्ते की हुई वर्षा हुई। स्वज का जिहड़ा संदेश है आपका योगदान क्या है इस दे उत्ते की है सेवा दे लई आपका योगदान क्या है चर्च दे लई आपका योगदान क्या है कलीसिया दी डेवलपमेंट वास्ते आपका योगदान की है पास्टर दी डेवलपमेंट वास्ते योगदान की है सुसमाचार गोस्पल प्रचार दे लई थोड़ा योगदान की है। मैं दस चुका कि अगर थोड़ी मेहनत होगी ते डेवलपमेंट होने तो बाद थोनों उस चीज की कदर भी होगी। बोलो हालेलुया। होगी कि नहीं होगी कदर? बोलो भाई। सो मैं जो थोनों दसना चाहना आओ असी जेड़ा है याकूब अध्याय 2 उदी 17 ते उदी 18 आयत पढ़िए। वैसे ही विश्वास भी अगर कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में वो मरा हुआ है। कोई कह सकता है तुझे विश्वास तो है पर मैं कर्म नहीं करता हूं। अपना विश्वास बिना कर्म के दिखा। कल्ला विश्वास विश्वास है जी विश्वास है जी विश्वास है जी विश्वास है जी कर्म नहीं करते योगदान नहीं है जीवन दे विच मेहनत नहीं है एग्जाम्पल नहीं है अपने आप दी परमेश्वर दे प्रति। हां जी विश्वास जेड़ा है अपने कर्म के आधार पर दिखाया जा सकता है। विश्वास जेड़ा है अपनी मेहनत के आधार पर दिखाया जा सकता है। कला विश्वास विश्वास कहने नाल कुछ नहीं होता कि असी विश्वास करते हैं। हां जी तेनू विश्वास है कि इको ही परमेश्वर है। बोलो भाई सारे बोलो कि थोनू विश्वास है कि इको ही परमेश्वर है। अगे सुन लो। हां जी तू ते तुसी सब की है अच्छा करते हो
लो जी दुष्ट भी जेड़ा है, इवल स्पिरिट्स भी, दुष्ट भी, लूसीफर भी जेड़ा है, वो की करता भाई विश्वास करता है, पर मनुष्य दे विच ते दुष्ट दे विच फिर फर्क की रह गया। विश्वास तो वो भी करता है, वचन तो वो भी पढ़ता है, प्रार्थना तो वो भी जानता है, भजना दे विच तो वो भी आ जाता है, नाल नाल वो भी नच लैंदा है, नचे नचे के ते प्रार्थना दे विच वो भी शामिल हो जाता है, ते थोड़े चे उहदे चे फर्क की है? उहदे विच जिहड़ा पवित्रता ही नहीं है, वो पवित्रता ही नूं कबूल नहीं करता, वो अमल नहीं करता, वो जिहड़ा है परमेश्वर दे प्रति योगदान नहीं है, वो परमेश्वर दी डिवेलपमेंट नहीं चाहता, वो परमेश्वर दी कलीसिया नूं बदते होए नहीं देखना चाहता, वो परमेश्वर दी सेवकाई नूं बदते नहीं देखना चाहता, वो सुसमाचार नूं फैलते होए नहीं देखना चाहता। बोलो हालेलुया। नहीं देखना चाहता, हो ये फर्क है, नहीं तो ओनू सब कुछ आता है। विश्वास थोड़े कोल भी है, ओदे कोल भी है। बोलो हालेलुया। हुण बाइबल की सिखा रही है सानू कि साडा विश्वास किस सहित होना चाहिए जी? कर्म सहित होना चाहिए। साडा विश्वास किस तरह का होना चाहिए? बोलो हालेलुया। आओ असी जिहड़ा है लूका अध्याय उहदी 11 उहदी 23 आयत पढ़ांगे। बोलो हालेलुया। इत्थे ध्यान नाल सुनो जी की लिखा होया है लूका 11 उहदी 23 आयत दे विच, जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है, सो जेड़ा परमेश्वर दे नाल नहीं है वो परमेश्वर दे की है। सो ऐसी डिसाइड करना है, ऑन डिसाइड यूअर डिपेंड, हुण थोड़े उत्ते निर्भर करता है कि तुसी परमेश्वर दे नाल हो या विरोध दे विच हो। हां जी अगे, जेड़ा मेरे नाल नहीं बटोरता, जो मेरे साथ नहीं बटोरता, ओ इहदा मतलब जेड़ा है खिडाउण दा काम करता है, बिखेरण का काम करता है, जेड़ा नाल कठा नहीं करवांदा। बोलो हालेलुया। सो बिखेरण की ड्यूटी कर रहा है वो। सो असी किस तरह का योगदान कर रहे हैं? असी बटोर रहे हैं परमेश्वर दे नाल कि परमेश्वर दे नाल मेहनत कर रहे हैं, या परमेश्वर दे प्रति जेड़ा है साडा योगदान है या नहीं है, कि असी खिलारण का काम कर रहे हैं? बस खिलारण का मीनस यह है कि जो स्टार्टिंग दरिया आई है, मैं नहीं छड़ती, इतने छड़ती दरिया पई। मैं देख रहा कि सब तो पहला दरी नूं हाथ पाऊगा कौन? सिस्टर किरण आई, उन्होंने वास्ते ताड़ी बजावांगे, सब तो बड़ा योगदान रहा उन्हों का, है नहीं साडे विचकार हो इस टाइम, चले गए उठ के। बोलो हालेलुया। उन्होंने दरी बिछा के टाइम ते जिहड़ा है परमेश्वर दे विच योगदान दिता। सो ये भी की एक योगदान है। और सब तो पहला इस जगह दे उते ब्रदर बिक्की जड़ा है टाइम नाल पहुंच के जड़ा है उन्होंने अपना योगदान दिता। सो ये भी एक की है योगदान है। बोलो हालेलुया। मैं तुहानू दसना चाहना कि चर्च दे लई एक चर्च नू जड़ा है तुसी वड्डे मुकाम तक उठदा होया देखना चाहते हो, जेकर अपने पादरी नू जड़ा है वड्डे मुकाम ते उठदा होया देखना चाहते हो, अपनी कलीसिया दी डिवेलपमेंट चाहते हो, परमेश्वर के सुसमाचार में तुसी वधदा होया देखना चाहते हो, जे तुसी आत्मिक रीति दे विच वधना चाहते हो, इस कलीसिया नू जिहड़ा है 50 तो 5000 दी कलीसिया दे विच वधना देखना चाहते हो, ते थोड़ा योगदान भी वड्डा होना चाहिए। बोलो हालेलुया। मैं थोनू दसना चाहना कि इसे तरीके दे नाल सानू पता होना चाहिए असी बटोरदे हाँ या असी खिलारदे हाँ। सो असी बटोरन वाले बनीए। बोलो हालेलुया। जिस तरीके दे नाल योगदान का हिस्सा यह है कि एक जड़ा है डिवेलपमेंट करन दे लई, पास्टर दी डिवेलपमेंट होवे, कलीसिया दी होवे, सुसमाचार दी होवे, या चर्च दी डिवेलपमेंट होवे, किसी चीज नूं भी बनाउण दे विच की करना पैंदा जी? बोलो भाई
योगदान और मेहनत करनी पैंदी है। थोनू की लगता है भी सारा कुछ बनया बनाया मिल जूगा? जे थोनू सारा कुछ बनया बनाया मिल जूगा ते उसकी जिहड़ी कदर है ना तो थोनू होगी ना ही होगी। बोलो हालेलुया। अगे मैं थोनू दसना चाहना, आओ असी मती अध्याय 10 ओदी 38 38 आयत नू पढ़ांगे। यह भी एक वड्डा योगदान है। असी बीमार है जी, असी परेशान है जी। कई बार कुछ लोग जड़ा है जिंदगी में टूट जाते हैं, कुछ लोग जड़ा है रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। मैं थोनू दसना चाहना यह भी एक वड्डा योगदान है। कई बार असी दुख की घड़ी दे विच परिस्थिति दे विच बीमार हां, मैं परेशान हां, पर जो मेरे उत्ते परेशानी आई मैं परमेश्वर दे नाल खड़ा रहा और मैं थोड़े नाल खड़ा रहा। बोलो हालेलुया। ते ओही कलीसिया दे कुछ लोग इस तरह हुंदा कि थोड़ी जी दुख दी घड़ी आई जिहड़ा है वह परमेश्वर दे नाल खड़े नहीं रह पांदे। मैं तुहानू दसना चाहना कि असी दुख दे विच खड़े रहने आ, वह साडा दो गुणा योगदान है। बोलो हालेलुया। वह साडा की है? दो गुणा योगदान है। अगे असी पढ़ांगे लूका दे 14 14-25 पढ़ो। जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी, पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए बोलो हालेलुया। सो सानू सब तो पहला इंपोर्टेंस कीनू देनी है? वह परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नू देनी है। बोलो हालेलुया। अगे असी आयत पढ़ांगे, जिहड़ी आयत पढ़ो 28 आयत पढ़ो। जेड़ा कहता तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठ करके खर्च का ध्यान ना दे। बोलो हालेलुया। सो जो असी परमेश्वर की सेवा दे प्रति सोचते हाँ, एक वर्शिप टीम दे विच शामिल होने की सोचते हाँ, जसो असी चर्च डिवलपमेंट की सोचते हाँ, पास्टर डिवलपमेंट की सोचते हाँ, कलीसिया की डिवलपमेंट की सोचते हाँ, परमेश्वर दे सुसमाचार फैलाउन ते परमेश्वर दी गवाहियां देन दे प्रति सोचदे हां ते साडा योगदान वी की है? वड्डा होना चाहिदा। बोलो हालेलुया। सो इस वचन दे विच असीं की पढ़दे हां कि एक गड्ढा बनाउन तों पहला की है? एक बुरज बनाउन तों पहला की असीं उस दे खर्च दा की है ध्यान रखना है। बोलो हालेलुया। उहदे खर्च दा की रखना सी? ध्यान रखना है। सो इस तरीके दे नाल जे मन के चलो एक 300 फुट उच्चा जड़ा है एक शॉपिंग मॉल तैयार किया जावे, तुसी सोच के देखो जे उस शॉपिंग मॉल दे विच उस दे लई किन्ने मजदूरा दी जरूरत होगी। जे तुसी सोचना चाहते हो, जे मैं तो सोचो बड़े दिमाग दे नाल इस दे उत्ते अध्ययन करो कि अगर असी सोचते हैं कि वड्डा शॉपिंग मॉल बनाइए जिहड़ा 300 फुट होवे ते उहदे लई किन्ने मजदूरां दी जरूरत पऊगी, उहदे लई जिहड़ा है किन्ने मिस्त्रियां दी जरूरत पऊगी, किन्ने आर्किटेक्ट दी जरूरत पऊगी, किन्ने इंजीनियर्स दी जरूरत पऊगी, किन्ने मटीरियल दी जरूरत पऊगी और किन्ने प्रकार दे उस दे विच समान ते तमाम प्रकार दे जिहड़ा है कंक्रीट ते तमाम प्रकार दीआं जिहड़ीआं उहदे विच जिहड़ा है लोहे दी जरूरत पऊगी। बोलो हालेलुया। जे अज तुसी वड्डी डेवलपमेंट देखना चाहते हो, जे तुसी मन दे अंदर जिहड़ा एक वड्डा विजन रखी बैठे हो, जे तुसी अपनी सोच दे अंदर एक वड्डी धारणा लेके जा रहे हो कि असी एक वड्डी आने वाले टाइम दे अंदर एक वड्डी मिनिस्ट्री नूं लेके चलना है, जे तुसी सोचते हो कि साडी चर्च जिहड़ी एक डेवलपमेंट दे विच जावे, जे तुसी सोचते हो साडी कलीसिया वड्डे डेवलपमेंट दे विच जावे, जे तुसी सोचते हो साडे बच्चे जिहड़े है वह आने वाले टाइम दे अंदर परमेश्वर की आत्मिक उन्नति दे विच परमेश्वर की कलीसिया दे विच
उन्नति पाउण ते मैं तुहानूं दसना चाहना कि सानूं इसका ध्यान रखना पेगा कि असीं उसके खर्च के उत्ते ध्यान और तमाम प्रकार के उसके योगदान के उत्ते ध्यान रखना पेगा। हालेलुया। मैं थोनू दसना चाहना कि साडा जिहड़ा ध्यान होना चाहिए इस चीज के उत्ते। हाँ जी, जे एक वड्डी सोच लैके चले हो, जे तुसी सोचते हो कि आने वाले समय इत्थे जिहड़ी एक वड्डी एक लख दी कॉन्फ्रेंस होगी कि असी सोचिया है जे एक लख दी कॉन्फ्रेंस होगी तो एक लख दा इंतजाम भी करने वाला कौन है? परमेश्वर है। पर साडा योगदान किस तरह का होना चाहिए? टाइम टेबल का होना चाहिए। साडा योगदान जिहड़ा है डिसिप्लिन का होना चाहिए, जिहड़ा है कम्माकारा का होना चाहिए। साडा योगदान विश्वास सहित कर्म का होना चाहिए। बोलो हालेलुया। कल्ला पैसा नहीं कम करता, यह भी गल याद रख लियो। किते तुसी सोचो भी पैसा कल्ले पैसे ने कम नहीं करना। थोड़े साथ की जरूरत है। बोलो हालेलुया। एक 300 फुट का मॉल बनाना है तो उहदे विच तुसीं समझ चुके हो कि कुछ जिहड़ा है योगदान ते मटीरियल ते मैं ते सरिया बजरी ते की कुछ उहदे विच जरूरत है, दिमाग दी भी जरूरत है उहदे विच। बोलो हालेलुया। हां जी, सुन लो भाई ध्यान नाल, कहीं ऐसा ना हो जद ओदी नींव पै जावे। सधारण जी गल है, जदों असीं घर बनाने लगदे आ ओदी नींव भरदे आ, फिर उस तों बाद जिहड़ा है घर प्रोपर बने ही ना, अध विचाला रह जावे घर, ते सारे देखण वाले की कहणगे बई। हां जी, सो ओ ठठियां दे विच नहीं उड़ाणगे कि ओ मजाक नहीं उड़ाणगे भी जिहड़ा घर बना के नींव तां चक लई पर अगे इहदे कोले खर्च दा इंतजाम नहीं है, अगे जिहड़ा इहदे कोले डिवेलपमेंट दा इंतजाम नहीं है। सो इस करके मेरे अजीज ते भैणो ते भरावो, जदों असीं मिनिस्ट्री दी सोच नूं वड्डी लैके चले आ फिर योगदान भी वड्डा लैके चलो। बोलो हालेलुया। जे तुसी इस जगह ते 5000 दी भीड़ देखना चाहते हो, जे इत्थे जिहड़ा तुसी 1 लाख बंदे दी भीड़ देखना चाहते हो, फिर योगदान भी जिहड़ा है थोड़ा वड्डा होना चाहिए। बोलो हालेलुया। सो इस करके जिहड़ा है एक 300 फुट का मॉल खड़ा करना, सो ये उस तो भी वड्डी गल है। परमेश्वर दे राज्य नूं इस धरती दे कलयुग दे विच स्थापित करना एक वड्डी वड्डी गल है। जे थोड़ा सारिया का योगदान रहा तो जिहड़ा 50 तो 5000 बदलते टाइम नहीं लगना, और 5000 तो बदलते 1 लाख दे विच टाइम नहीं बदलना, टाइम नहीं लगना उस चीज से। पर थोड़ा योगदान ते थोड़ी मेहनत होनी चाहिए है। ये नहीं प्रार्थना कर रहे हो हालेलुया हालेलुया हालेलुया, बोलो हालेलुया। ये नहीं है प्रार्थनावां दा योगदान जिहड़ा है वह मजबूत होना चाहिए। थोड़ा टाइम टेबल दा जिहड़ा योगदान की है मजबूत होना चाहिए। और मैं तुहानूं दसना चाहना कि कौन जिहड़ा है टाइम ते आके चेयर लगांदा, कौन जिहड़ा हाके है दरिया नूं बिछाउण दा जिहड़ा है जिम्मेवारी नूं, वह एक वड्डी योगदान है। कौन आके जिहड़ा है दरिया नूं बिछाउंदा, एक वड्डा योगदान है। सो ये गल्लां तो जिहड़ा है चर्च की उन्नति हुंदी है। लंगर दे विच जिहड़ा वध चढ़ के कौन हिस्सा लैंदा है, लंगर दे विच खवाण पियाण की जिम्मेवारी कौन लैंदा है, लंगर नूं बनाउण की जिम्मेदारी कौन लैंदा है। बोलो हालेलुया। सो बाइबल दे विच लिखा है तुम्हारा विश्वास फरीसियों से बढ़कर हो। विश्वासियों नूं इह गल कही गई है, कहिंदा तुम्हारा विश्वास, इहदा मतलब जिहड़ा है पास्टर तो भी वध के जिहड़ी जिम्मेदारी की लगदा सानूं, कहिंदा तुम्हारा विश्वास फरीसियों से बढ़कर होना चाहिए तब तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हो। इहदा मतलब जिहड़ा है साडा अगर योगदान भी वड्डा होगा तद असीं परमेश्वर दे सामने जाके कह सकदे कि परमेश्वर मेरा विश्वास मात्र विश्वास नहीं सी और मेरा विश्वास कर्म दे सहित सी। बोलो भाई कर्म दे सहित सी। बोलो हालेलुया।
कौन कौन जेड़ा है घर बनाने विच जेड़ा है साथ देना चाहता है, कौन कौन है जेड़ा परमेश्वर दे नाल बटोरना चाहता है, कौन कौन जेड़ा है मिनिस्ट्री दे अंदर डिवेलपमेंट चाहता है, कौन कौन जेड़ा है परमेश्वर दे लई जेड़ा है ओदे सुसमाचार गोस्पल प्रचार और संदेश दी जेड़ा बढ़ोतरी चाहता है। सो मैं थोनू मेरे अजीज भैनो भराओ थोड़ा एक योगदान जेड़ा है थोड़े योगदान की आवश्यकता है, थोड़े साथ की आवश्यकता है। बोलो हालेलुया। मैं थोनू दसना चाहना याकूब अध्याय चार ओदी तीन आयत पढ़ांगे। तुम मांगते हो पर पाते नहीं क्योंकि तुसी की है बुरी इच्छा तो की है मंगते हो। इत्थे की लिखा है जी याकूब अध्याय चार ओदी तीन आयत दे विच लिखा है कि तुम मांगते हो पर पाते नहीं क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो। आज जेड़े है असी सिर्फ परमेश्वर दे कोल किस इच्छा तो आने हैं कि असी अपनी जिहड़ी परसनल डिवेलपमेंट लैके आने हैं, कि असी अपनी परसनल ग्रोथ लैके आने हैं, कि असी परमेश्वर दे प्रति योगदान और परमेश्वर दे प्रति जिहड़े है कि असी सरबत दा भला सोचते हाँ कि असी सिर्फ अपने आप दा भला सोचते हैं। बोलो हालेलुया हालेलुया। सो कौन कौन इस तरह का व्यक्ति है जिहड़ा सिर्फ अपना भला सोचता है और कौन कौन इस तरह का है जिहड़ा सरबत का भला सोचता है मीनस सब का भला सोचता है। सब का भला सोचने वाला व्यक्ति जिहड़ा है वो उसनू कहा जाता है सैल्फिश और सरबत के भला करने वाले व्यक्ति जिहड़ा है अज बाइबल दे विच लिखा है जिहड़ा अपना अपना करता है जो जिहड़ा खुआन वाले नू खुआ दिंदा है ते केड़ा महानता करता है। सो जेड़ा सानू खुआ ना सके सो इस तरह के लोगों के लिए जेड़ा है साड़ा योगदान होवे इस तरह के लोगों नू खुआओ जेड़े सानू खुआ ना सकन बाइबल सिखाती है। बोलो हालेलुया। कहता फिर तुसी केड़ा वड्डा काम करते हो जी अपने खुआन वाले नू जेड़े थोनू भोजन खुआंदे तुसी उन्हां नू भोजन खुआ दिंदे हो। बोलो हालेलुया। सो सानू साड़ी सोच इस तरह की होनी चाहिए कि असी सब का भला सोचिए सरबत का भला सोचिए। बोलो हालेलुया। इत्थे जिहड़ा है मैं तुहानू दसना चाहना कि तुम मांगते तो हो पर सही इच्छा से नहीं इसलिए पाते नहीं। याकूब अध्याय चार दे विच एक व्यक्ति मैं पिछले दिनों के अंदर देखा वह जॉब के लिए जिहड़ा डिमांड दे विच सी प्रार्थना करवाई जॉब मिल गई जॉब मिल गई तो उस तो बाद जिहड़ा है गवर्नमेंट जॉब लगी। मेरी नजरों के सामने वो व्यक्ति इस टाइम नहीं है पर उस तो बाद जो जॉब लगी उस तो पिछले अगर आप टाइम की गल करिए जो जॉब नहीं लगी सी उदो लगभग लगभग मैं 10 साल तो उन्होंने चर्च के विच देख रहा सी। पास्टर जी मौजूद है गवाह इस गल दे पर 10 साल तो बाद साड़ी चर्च दे विच मैं उसनू गवर्नमेंट जॉब लगन तो बाद अज तक उसनू एक बार भी नहीं देखा। कहिंदा तुम मांगते तो हो पर सही इच्छा दे नाल नहीं। बोलो हालेलुया। चेलियां दी तरह असी बन जाइए इस तरह दे मैनू दाऊद बना दे मैनू सुलेमान बना दे। सो इस तरह दियां साडियां सोचां कि उस तरह दा योगदान असी रखदे आं जॉब असी मंगदे आं चंगाई असी मंगदे आं। मैं इत्थे दसना चाहना है कि असी परमेश्वर तो इच्छा रखदे आं कि मेरा वीजा लग जावे कि असी उस तरह दी जिहड़ा है वीजा लगन तो बाद ओह भेंट दा जिहड़ा है परमेश्वर दे लई योगदान रखदे आं। अगे असी गल करते हाँ कि जिहड़ा व्यक्ति कहिंदा सी 10 साल तो चर्च दे विच आ रहे सी मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जे लग जे लग जे और गवर्नमेंट जॉब लग गई उस तो बाद जिहड़ा उसनू चर्च दे विच असी अज तक नहीं देखिया। मैं दसना चाहना कि जॉब लगन तो बाद जिहड़ा है उसनू परमेश्वर दे दे लई जिहड़ा है अपना दशवांश कढ़ना बहुत जरूरी सी।
अगे मैं दसना चाहना कि एक बीमार जो शिफा पाता है वह योगदान बनता है कि वह गवाही दे सारा जेड़ा योगदान पैसा नहीं है दान नहीं है योगदान कुछ होर भी बनते ने एक बीमार जो चंगा होता है तो वह योगदान की बनता है गवाही योगदान बनता है इसे तरीके दे नाल जे व्यक्ति जॉब लग जाती है गवर्नमेंट तो उहदे कोले जदों धन दी और वीजा लग जाता तो चंगा डॉलर कमाऊगा तो उहदा योगदान की बनता है कि परमेश्वर दे लई उहनां डॉलरां दे विचों की है तश्वास देवे बोलो हालेलुया अगे मैं तुहानूं दसना चाहना जे उह कहिंदा मैनूं दाऊद दी तरह बना दे ते की तुसीं तैयार हो गोलियत नूं मारन दे लई की तुसीं तैयार हो तुहाडा योगदान तैयार है कि शैतान दे लई लड़न दे लई जे तुसीं परमेश्वर तों कहिंदे हो मैनूं बना दे कि तुसीं तैयार हो अपनी कौम दे लई लड़ाई करन दे लई कि अपनी तैयार हो तुसीं कौम नूं जिहड़ा मिस्र दे विचों जिवें छुड़ाया कि शैतान दे हत्थी जिहड़ा है जिहड़ा दुष्ट दे हत्थी छुड़वाण दे लई आत्मिक युद्ध ते आत्मिक लड़ाई दे लई कि तुसीं तैयार हो बोलो हालेलुया मैं संसारिक लड़ाई की गल नहीं कर रहा मैं आत्मिक लड़ाई की गल कर रहा जिहड़ी अंधकोर दी जिहड़ा है चानण दी जिहड़ा अंधकार दे नाल की है लड़ाई की गल कर रहा ना कि संसारिक लड़ाई मसीह लोग जिहड़ा है वो लड़ाई ते वाद विवाद की गल नहीं करते बोलो हालेलुया सो उस तरीके दे नाल उस बुराई तो अपनी कौम नूं छुड़ाण दे लई कि तुसीं तैयार हो कि तुसीं अंधकार तो लोगों नूं छुड़ाण दे लई तैयार हो यह थोड़ा योगदान होना चाहिए हन्ना का जो योगदान सी कि परमेश्वर मैनु प्रतिफल दे मैनु बच्चे की आशीष दे और जो बच्चा देता तो हन्ना का योगदान यह सी कि उन्हें अपना बच्चा जड़ा है परमेश्वर के कम्मा दे लई दे दिता बोलो हालेलुया ते अज की चल रहा है बीमार है पास्टर जी बीमार है जी ये की है जी पास्टर जी की है बीमार है इस नूं की है दे लई की करो दुआ करो और अक्सर मैं देखा बीमार है ता साडा ते ठीक हो गया ते फिर साडा बोलो हालेलुया सो मैं तुहानूं दसना चाहना जे तुसीं सानूं बीमार दिंदे हो अपने फैमिली अपने बच्चे नूं दे विच कोल लेके आने हो जे तुसीं बीमार सानू सौंप दिओ ते चंगे होण तों बाद तुहाडे बच्चे भी जिहड़े है वह परमेश्वर दे होणगे वह तुहाडे नहीं बल्कि खुदावंद दे होणगे हन्ना दी तरह जिहड़े है वह परमेश्वर दे होणगे वापस नहीं ले सकदे वह बच्चे दिन रात परमेश्वर दी सेवा दे लई इस्तेमाल किते जाणगे कम्मां दे लई इस्तेमाल किते जाणगे बोलो हालेलुया यह नहीं है बाद दे विच कहता जी ठीक हो गए तां साडे नहीं बाद दे विच साडे ही रहने ओह इस चर्च दे मेंबर रहणगे बोलो हालेलुया उस डिवेलपमेंट तक 5000 तो 1,00,000 दे बदलन तक स्वर्ग दी जिहड़ी मंडली तक ते स्वर्ग दी संगति तक साडे रहणगे ओह आमीन बोलो हालेलुया थोड़ा योगदान ए होना चाहिए ए नहीं कि कल्ला पैसा गल पैसे दी नहीं हो रही इत्थे इत्थे गल हो रही है टाइम टेबल दी योगदान दी थोड़ी सहायता दी थोड़ी दुआवां दी थोड़ा योगदान दुआवां दे प्रति भी हो सकता है बोलो हालेलुया एक शराब पीण वाला जिहड़ा है जे चर्च दे विच आ के उहदी शराब छुट जांदी है अगर वह पापी इंसान फिरा लैंदा है बुराई तो हट जांदा है एक शराब पीने वाला जे शराब छड़ दिंदा है ते ओदा योगदान की बनता बोलो जी बोलो भाई होर कोई नवा जीवन मिलिया होर जी कोई बुरी आदत छड़ी होर जी कोई होर कोई गवाही देवे दशवांश देवे होर कोई ओदा हक जिहड़ा उहदे शरीर नूं खराब करन वाली बोतल सी उस बोतल दे पैसे जिहड़े है रूटीन दे विच परमेश्वर दे भवन दे विच आने चाहिए है बोलो हालेलुया ए राइट बनता है अपने शरीर नूं गला रहा सी कि जो परमेश्वर दे लई जिहड़ा अपना सैक्रीफाइस करता है जो परमेश्वर दे लई अपने आप नूं दिंदा है
परमेश्वर ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਹੁਣ ਜਿਸ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਗੋਸਪਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਬੋਤਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ परमेश्वर दी जड़ा है लोका दी भलाई दे लई इस्तेमाल किते जान सर्वर दे भले दे लई इस्तेमाल किते जान आमीन ए साडी सोच होनी चाहिए है बोलो हालेलुया मती अध्याय जदों असीं 15 पढ़दे आ एक आयत ओदी 20 आयत दे विच लिख्या कि तुम मेरा होठों से तो आदर करते हो पर मन मुझसे दूर है की कहंदा कि तुम मेरा होठों से तो आदर करते हो पर मन मेरे तो की है दूर है तुसी विश्वास ता कर दो कर्म नहीं करते तुसी विश्वास ता करते हो पर थोड़ा कोई योगदान नहीं है बोलो हालेलुया मैं थोनू दसना चाहना कि तुम्हारा योगदान टाइम दे नाल हो सकता है तुसी अपना योगदान सोचो ऑन डिसाइड यू आर डिपेंड थोड़े उत्ते निर्भर करता है तुसी सोचो कि तुसी अपना योगदान किस तरीके दे नाल देना चाहते हो परमेश्वर दे लई टाइम देना चाहते हो जिस तरह एक पादरी ते एक पास्टर जिहड़ा है दिन भर परमेश्वर दे कम्मां दे लई तैयार रहिंदा है कि तुसी खुदावन दे सुसमाचार दे लई टाइम देना चाहते हो इधर देखो भाई ध्यान नाल मैं की कहना चाहना है कि तुसी परमेश्वर नूं जिहड़ा है किसी भी तरीके दा योगदान दे सकते हो टाइम दा योगदान दे सकते हो जे तुसी फुल टाइम परमेश्वर दी सेवा दे लई दे सकते हो तां दिओ एक बहुत वड्डा योगदान है टाइम नाल आओ एक वड्डा योगदान है फुल टाइम परमेश्वर नूं दो योगदान है पार्ट टाइम दिन दे जिहड़े 24 घंटे चो 12 घंटे दो योगदान है मैं 24 आवर देना परमेश्वर नूं ए कि कोई दिन रात मैनूं परमेश्वर दी महिमा ते सेवा ते किसी भी प्रकार दी जिहड़े रात दिन बुलाना मैं थोड़े नाल खड़ना है आमीन एक योगदान है मैं थोनू दसना चाहना कि कोई भी जड़ा योगदान है पैसे दे नाल दिता जा सकता है कि परमेश्वर दा सुसमाचार गोस्पल प्रचार जड़ा है फैलाया जावे लंगर सेवा दे लई और तमाम प्रकार दे जड़े सर्वत दे भले दे लई लोका दी भलाई दे लई जड़ा सानू दान दशवांश दे द्वारा असी की कर सकते हैं जी योगदान दे सकते हैं अगला कर्म दे सहित असी जड़ा है कोई तमाम चर्च दियां लोड़ां दे प्रति चर्च दे विच पर वड्डियां चर्चा दे अंदर जिस तरह तुसी समझदे हो कि हर एक प्रकार दी सेवा दी जरूरत हुंदी है भांडे तो लैके मांजण तो लैके साफ सफाई तो लेके हर प्रकार दी की है उथे योगदान दी की पैंदी है जी जरूरत बच्चे एक एक दिन पहला जेड़ा है वड्डियां चर्चा दे अंदर की हुंदा है जी जिथे लख लख बंदियां दी भीड़ा है उथे की करदे हो ओ जाके जेड़ा है दो दो दिन पहला सजावट दा काम स्टार्ट कर दिंदे है दरिया बिछाण दा काम स्टार्ट कर दिंदे है चेहरा लगाण दा काम स्टार्ट कर दिंदे है ए भी इक उहनां दा वड्डा योगदान है मां प्यो अपने बच्चों नूं जिहड़ा है उस जगह दे उत्ते भेज देंदे आ सेवा दे लई बोलो हालेलुया एह योगदान है असी तां सौखी समझी बैठे सी सेवा नूं असी की समझी बैठे सी सौखी समझी बैठे जी एक बार सवेरे प्रार्थना करनी है शाम नूं प्रार्थना करनी है ते पास्टर नूं की कहना है जय मसीह दी बस हो गया जी फिनिश शाम नूं सो जाओ नहीं योगदान हले एता जेकर साडा योगदान छोटा है डिपार्टमेंट भी छोटी रहेगी साडी मिनिस्ट्री भी छोटी रहेगी जे साडा योगदान वड्डा साडी मिनिस्ट्री आने वाले टाइम दे विच वड्डी होगी बोलो आमीन मैं थोनू दसना चाहना बस बचन नू जेड़ा है समाप्ति दे वल लेके जाऊंगा बाइबल दे विच लिखा है लूका अध्याय 6 ओदी 38 आयत दे विच दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਪੜੋ ਜੀ ਪੜੋ ਹਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤੋ ਤੁਮੇ ਵੀ ਦਿਆ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਔਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇੱਥੇ ਕੱਲਾ ਪੈਸਾ
नहीं लिखा की लगता थोनू एक पादरी का मुंह बंद कर दोगे पैसे दे के की लगता थोनू परमेश्वर का मुंह बंद कर दोगे पैसे दे के की लगता थोनू एक पादरी का घर जिहड़ा है तुसी चला रहे हो नहीं मेरे अजीज भैनों भराओ मैं इत्थे दसना चाहना इत्थे गल कीती गई है कहिंदा दियो करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा इत्थे कोई गल नहीं दसी इत्थे गल ही नहीं कीती पैसे दी दसो भाई कित्थे कीती है दिखाओ लिखिया इत्थे कहिंदे योगदान दा मतलब है योगदान दे विच सारियां गल्लां आ जांदियां है टाइम पैसा और कर्म और विश्वास और प्रार्थनावां थोड़ियां जिहड़ियां थोड़ी मिनिस्ट्री दे लई होनी चाहीदी है आमीन तद डेवलपमेंट है इत्थे जिहड़ा इह कहिंदे वी दिया करो योगदान दिया करो योगदान दे विच इक सारियां गल्लां की आ जांदियां विच आ जांदियां और मैं थोनू दसना चाहना आपां जिहड़ा है लूका अध्याय एक पढ़ते हैं पढ़ो जी 16 दी 1 एक धनवान का भंडारी सी लूका अध्याय 16 उसकी 1 आयत दे विच लिखा किसी धनवान का भंडारी था उस भंडारी ने जिहड़ा चतराई दे नाल अपने मालिक तो जिहड़ा है धोखाधड़ी की और लास्ट दे विच जो असीं पढ़दे हां उत्थे लिखिआ जो थोड़े दे विच जो ज्यादा दे विच वफादार नहीं है वह थोड़े दे विच किस तरह रहेगा सो सानू थोड़े तो थोड़े दे विच भी की रहना है वफादार रहना है सानू घटती तो घटती दे विच भी की रहना है वफादार रहना है बोलो हालेलुया सो अब्राहम भी बनाया जाऊगा थोनू मूसा भी बनाया जाऊगा परमेश्वर थोनू सुलेमान बनाने वास्ते भी तैयार है थोनू दाऊद बनाने वास्ते भी तैयार है तुसी तैयार रहो गोलियत दे नाल लड़न दे लई तुसी अंधकार दी शक्तियां दे नाल लड़न दे लई तैयार रहो तुसी जिहड़ा है परमेश्वर तैयार है बोलो हालेलुया जो छोटे दे छोटे दे विच ईमानदार है इस करके छोटे छोटे योगदानां दे विच भी असीं की रहना ईमानदार रहना इत्थे लिखा प्रभु इधर ध्यान नाल सुन लियो बई मैं एक अक्सर मैनू मिलदे है मैं उन्हां दे बारे गल नहीं करना चाहूंगा पर वो कहिंदे है हमेशा उन्हां दे मुख तों मैं कोई गल सुनी है कहिंदे प्रभु ने चाहत मैं दान देऊंगी प्रभु ने चाहे तो मैं प्रभु ने चाहे तो मैं चर्च जरूर आऊंगी प्रभु ने चाहे तो मैं बंदगी जरूर करवावांगी प्रभु ने चाहे तो मैं सेवा जरूर करांगा प्रभु ने चाहे तो मैं भेट जरूर देऊंगी मैं इत्थे तुहानू दसना चाहना परमेश्वर जिहड़ा है वह जबरदस्ती वाला परमेश्वर नहीं है जिहड़ा थोड़े तो ले लेगा वह होर पादरी होणगे जिहड़े थोड़े तो जबरदस्ती लेंदे होणगे वो होर पास्टर होणगे जिहड़ा किसे रीति दे नाल जिहड़ा है धन नूं लुट्टण दे लई उन्होंने किसे प्रकार का जिहड़ा है पर मैं थोनू दसना चाहना मैं इत्थे इह समझाउणा चाहना हाँ कहिंदे परमेश्वर के बिगर पत्ता नहीं हिलता परमेश्वर दे बिगर की है जी तो पाप किवें हो जांदा है ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਚ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੱਤਾ ਹਿਲਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੁਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੈਰ ਇਰਖਾ ਨਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਿਰਣੈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦਾਨ ਦਸ਼ਵਾਂਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਭੇਟ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੂਗਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੂਗਾ ਤਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੂਗਾ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਹਲੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਲੀਸਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੂਸਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਪਾਪਾ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣਨਾ ਪਾਪਾ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ
मैं थोनू दसना चाहना एदा नहीं है जेड़े दूसरे असी सुनिया होगा अक्सर पेट ले ली जबरदस्ती कन्न मरोड़ देता बीमार कर देता ला कर देता मुर्गा चाहिदा बकरा चाहिदा कन्न मरोड़ देता दुष्ट आत्मा घल दित्ती। मेरा परमेश्वर इस तरह का परमेश्वर नहीं है जेड़ा थोड़े तो भेंट लेने के लिए थोनू बीमार कर देवे। वो जबरदस्ती वाला परमेश्वर नहीं है। वो थोड़े उत्ते एक जेड़ा है थोड़े दिमाग दे अंदर इच्छा शक्ति दिती है थोड़ी इच्छा तो प्रति जेड़ा है तुसीं दिओ तो दिओ और ना दिओ तो थोड़ी मर्जी। ये थोड़े उत्ते निर्भर करता है। मेरे परमेश्वर ने थोनू की दिती है बुद्ध दिती है। मेरे यीशु मसीह ने यहोवा परमेश्वर ने थोनू की दिती है। वो थोड़ा कन्न नहीं मरोड़ता वो थोड़े ना दशवांश देन ते थोनू बीमार नहीं करता वो थोड़ियां भेटा देन ते थोनू परेशान नहीं करता वो थोड़े तो मुर्गे बकरे नहीं मंगता। बोलो हालेलुया। उन्हें थोनू बुद्ध दिती है। कहते इंसान दे इस संसार दे विच पत्ता नहीं हिलदा। हुण तुसीं दस्सो पत्ता हिलदा या नहीं हिलदा? परमेश्वर तो बगैर पत्ता नहीं हिलदा। हिलदा है जी पत्ता। क्यों हिलदा है? वो मनुष्य की जिहड़ी सोच है बुराई करती है पाप करती है ते दा मतलब परमेश्वर पाप करवा रहा है? नहीं, उस सोच दे द्वारा जिहड़ा है मनुष्य अच्छे और भले और बुरे की जिहड़ी सोच सानू मिली हुई है इस दे माध्यम तो असीं जिहड़ा है अच्छा डिसीजन भी लै सकते हैं ते बुरा डिसीजन भी लै सकते हैं। बोलो हालेलुया। हुण फैसला तुहाडे कोल है। सब जिम्मेवारियां दे जिहड़े दो जिम्मेवार ठहरा दिंदे आ चंगा होया जी रब ने कीता है और कुछ माड़ा हो गया तो शैतान ने करता। और जिहड़ी दुष्ट सोच तुहाडे कोल है जिहड़ी बुराई तुहाडे अंदर भरी है। एक व्यक्ति जिहड़ा है कई दिनों तो जिहड़ा है बुराई करता रहा करता रहा करता रहा करता रहा करता रहा उस तो बाद बुराई करन तो बाद बुराई का घड़ा भर गया। उस तो बाद आगे जी कहते दुआ करो जी ये उत्ते जी एक बड़ी विपत्ति आप पई है जी। हुण की दुआ करिए जी जो तो सारी जिंदगी तो इस फरिश्ते दे विच हे जवान अपनी जवानी के दिन में यहोवा को सिमरन कर। उदो जवानी दे यहोवा नु सिमरन नहीं किया जिन्हां नु नहीं पता उन्हां दे लई तां माफ है पर जिन्हां ने पता हुंदे सरांदे जिहड़े मिस्टेक्स कीतियां गलतियां कीतियां उन्हां दा की बनूगा? बाद दे विच किहड़ी प्रार्थना वारे जांदी है मैं तुहानूं दसना चाहना। सो जिम्मेवारी दोनों की नहीं है। चंगा किता परमेश्वर ने किता जी माड़ा होया था मुझ पे जो बीता अच्छा बीता देह न गवाई उससे सीखा किसी की भी कैसी साजिश रही हो यीशु ने ना दिखलाया नीचा तोड़ के सारे जालों को कब कैसे बचाया मुझको बस मैं जानू मेरा खुदा जाने मैं जानू मेरा खुदा जाने मुझ पे जो बीता अच्छा बीता। जो परमेश्वर करता वो भी अच्छा है और जो शैतान करता वो तो फिर अच्छा है ही क्योंकि जदों वो कन्न मरोड़न की बारी दे विच जदों तुसी बुरा करते हो जदों व्यक्ति जिहड़ा है परमेश्वर की आज्ञा करता 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 कहता मनुष्य खुद अपनी अभिलाषाओं में खिंचकर और फंसकर शैतान के फंदे दे विच पै जांदा है। खुद मनुष्य अपने लालच के कारण जिहड़ा है कई बार डिग जांदा है। खुद अपने पाप के कारण जिहड़ा है बुराई दे विच डिग जांदा है। बोलो हालेलुया। तो जिम्मेवार कौन है? परमेश्वर और शैतान ही नहीं बल्कि साडी खुशी का और साडे नुकसान का जिम्मेवार कई बार असीं खुद भी हुंदे आ। हालेलुया। साडी बीमारी दे साडी परेशानी दे। बोलो हालेलुया। हुण गल कर रहे सी असीं योगदान दे उत्ते कि एक मॉल बनाने दे विच किन्नी मेहनत लगती है। तुसीं गल समझ गए हो एक घर बनाने दे विच किन्नी मेहनत लगती है तुसीं समझ गए हो। योगदान की जरूरत है। जे तुसी इस नूं वड्डी मिनिस्ट्री बनता होया देखना चाहते हो जे तुसी अपने बच्चों की ग्रोथ देखना चाहते हो जे तुसी एक वड्डी डिवेलपमेंट चाहते हो ते तुसी सोचो कि 300 फिट का जो मॉल तैयार हो रहा है एक छोटा जा घर तैयार हो रहा होता है ते सानू किन्नी जिहड़ा मशक्कत मेहनत ते मशक्कत करनी पैंदी है।
एक बंदा तो बुजुर्ग जिहड़ा हुंदा उत्थे कुर्सी डाके परमानेंटली बिठा रखा हुंदा चाहे बैठा बैठा ही आकड़ जे अगला बोलो हालेलुया ओदा कल्ला मिस्त्रियां दे ध्यान रखण वास्ते बुजुर्ग उत्थे की करदा हुंदा सी पक्का ही बिठा दिंदे आ हलवाई कोले बिठा दिंदे आ वी ब्याह दी तैयारी हो रही है पक्का ही बिठाता ऐ नहीं पता वी बैठा बैठा ही आकड़ जे अगला बोलो हालेलुया मैं थोनू दसना चाहना कि साडा योगदान होना चाहिए जे 300 फुट की उचाई का जिहड़ा मॉल तैयार की सोच है जे तुसी पांच कमरे वाला मकान बनाने की सोच रहे हो जे तुसी एक कलीसिया की वड्डी उन्नति चाहते हो जे तुसी अपने घर की वड्डी उन्नति चाहते हो फिर तुहाडा योगदान भी उच्चा होना चाहिए बोलो आमीन इथे मैं थोनू दसना चाहना एक दिन जे कर तुसी सोच के देखो एक दिन जिहड़ा है किन्ने मिस्त्री लगते हैं किन्ने मजदूर लगते हैं एक दिन मिस्त्री भज जाए दूसरे मजदूर भज जाए फिर मिस्त्री भज जाए फिर मजदूर भज जाए फिर मिस्त्री भज जाए फिर मजदूर भज जाए एक दिन 6 मजदूर ना एक दिन 10 मजदूर ना एक दिन 20 मजदूर ना एक दिन 10 मिस्त्री ना तो मॉल कदे जिहड़ा है वह टाइम दे नाल पूरा हो सकेगा इसे तरीके दे नाल जेकर कदे विश्वासी ना आण ते पादरी तां वैसे आई जांदा कदे तुसी मेरे घर दे उत्ते ताला लग्या देखोगे नहीं चाहे किड्डा भी दुख सुख सी मेरे जीवन दे अंदर पूरे साल भर दे अंदर किन्ने भी दुख सुख आए किन्ने भी प्रॉब्लम्स समस्यावां दे विच मैं गुजरिया पर तुहानू मेरे अंदर संगति दे टाइम दे उत्ते ताला लग्या नहीं मिलना बोलो आमीन हालेलुया जगह का जिहड़ा योगदान मैं दे रखा हर वक्त संगति करो दिन रात करो जो मर्जी करो बोलो हालेलुया मैं तुहानू दसना चाहना मिस्त्री मैं हाँ उस तरीके मजदूर तुसी एक दिन मजदूर दूसरी चर्च के चला गया और एक दिन जिहड़ा है मजदूर दूसरी चर्च के चला गया अज वो पादरी दे कोले चलदे जी अज उस पादरी कोले चलदे जी अज उस चर्च दे विच ते अज इस चर्च दे विच तुहानूं लगदा है जे मजदूर ही बार बार छुट्टी ते रहणगे कि उस चर्च दी डिवेलपमेंट हो सकदी है कि उन्हां मजदूरां दी जिहड़ी मेहनत दा जिहड़ा बुरज खड़ा हो सकदा है कि ओह मॉल ओह मकान जिहड़ा है ओह आत्मिक भवन जिहड़ा असीं बनाउण जा रहे हां कि ओह सी ओह पूरा हो सकदा नहीं हो सकदा कदे एक चर्च दे विच कदे एक पादरी दे नाल संघर्ष कदे दूसरे पादरी दे नाल इक्को ही जगह ते सानू योगदान सारे नू मिलके जहां दो या तीन जन एक मन एक चित होते हैं परमेश्वर का आत्मा उनमें विराजमान होता है पर इक्को ही मन जिहड़ा है हो नहीं रहे है इक्को मन की है हो नहीं रहे है एक जगह ते योगदान सारे मिलके लगा नहीं रहे है फिर कलीसिया दी उन्नति होगी फिर मिनिस्ट्री की उन्नति होगी फिर पास्टर की उन्नति होगी फिर घर की उन्नति होगी फिर डिवेलपमेंट होनी है नहीं तो फिर की लिखा उत्थे कि गड्ढा बना गढ़ बनाने वाले बुर्ज बनाने वाले अगर खर्च पर ध्यान नहीं दिया तो लोग की करनगे उदा बाद दे विच ठट्ठा उड़ानगे भाई मजदूर बारी बारी छुट्टी ते रहे बारी बारी छुट्टी ते रहे असी पादरी साहब जी प्रार्थना ते चले बंदगी ते चले ਤੈਨੂੰ ਆਪਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ 5000 ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ 1,00,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੁੰਨੇ ਹੋ जे थोड़ी चर्च के अंदर मीटिंग रखी हुई है तो तुसी किसी होर चर्च के विच गए हो तुहानू पता है परमेश्वर नू उस कड़ी थोड़ी चर्च के विच की पता तुसी वर्शिप सिंगर हो ते परमेश्वर नू थोड़ी लोड़ होवे की पता तुसी दरी बिछाण वाले हो परमेश्वर नू थोड़ी लोड़ होवे की पता तुसी खाना बनाने वाले हो परमेश्वर नू थोड़ी लोड़ होवे की पता जिहड़ा तुसी मीडिया तौर ते काम करदे हो वीडियो बनाने वाले हो परमेश्वर नूं थोड़ी लोड़ होवे बोलो हालेलुया हुण मैं थोनू दसना चाहना
कहता जो थोड़े में वफादार है उसे ज्यादा दिया जाएगा। इस करके सादा योगदान जड़ा होना चाहिए। थोड़े तो थोड़े दे विच भी असी वफादार रहना है, टाइम दे प्रति वफादार रहना है, दान दशमांश दे प्रति वफादार रहना है, और प्रति असी जड़ा है कर्म दे प्रति की रहना है, और प्रार्थना अपनी चर्च उन्नति दे लई, अपने कलीसिया दी उन्नति दे लई, अपने पास्टर दी उन्नति दे लई, हर एक पक्खो जेड़ा है सानू डेवलपमेंट दे लई की लेना है जी, योगदान साडा रहना चाहिदा। छोटे तो छोटे दे विच सानू की रहना चाहिदा, वफादार रहना चाहिदा। इस करके जेड़ा है जेकर मन के चलो गवाही देनी है, कोई छोटी तो छोटी गल है, जे कोई छोटी गल है गवाही देनी है, दुख दे विच प्रार्थना करो, सुख दे विच खुशी दे गीत गाओ, ते नाल जेड़ा दुख तो बाहर निकलन तो बाद की दो जी गवाही देनी है। कहिंदा जे अच्छे लोग चुप रह जाणगे ते बुराई की है जी उत्पन्न होगी। इस करके मैं थोनू दसना चाहना कि सानू चुप नहीं रहना, ए भी इक योगदान है। जे थोड़ी चर्च दे अंदर कोई भी छोटी मोटी गवाही हुंदी है ते आके ओ देनी है जी प्रार्थना दे माध्यम तो ए कम होया, देनी है गवाही, ए भी एक की है योगदान है। चर्च आपा दूसरी दी गवाही देई जा रहे हैं तो डेवलपमेंट की दी होएगी, बोलो भाई एडवर्टाइज। मेरा कहने मतलब मकसद यह है जिस दे अंदर तुसी हो मेहनत भी उत्थे ही होनी चाहिए है, उत्थे ही मेहनत होनी चाहिए है, और जेकर तुसी छुट्टी मारते हो, जेकर तुसी जेड़ा है मेहनत किते होर करते हो तो डेवलपमेंट भी किते इत्थे नहीं। इस करके डेवलपमेंट जे तुसी इत्थे चाहते हो तो मेहनत भी इत्थे ही करनी पेगी। हालेलुया। तो इस करके जेड़ा है अपना सब दा जेड़ा परमेश्वर जेड़ा है तुहानू दाऊद बना के परमेश्वर मूसा बना के इस्तेमाल करूगा। बस तुसी जेड़ा है अपने हर एक ढंग दे नाल अपने आप नू परमेश्वर दे विच समर्पित रखियो, और प्रोपर जेड़ा है परमेश्वर दे लई योगदान दे लई टाइम दे लई समय दे लई दिन दे लई रात दे लई सुबह दे लई शाम दे लई किसी भी ढंग दे नाल तुसी कर सकदे हो योगदान। प्रार्थना दे माध्यम तो बैठे रहो, सारे दिन प्रार्थना च बैठे रहो, अपनी मिनिस्ट्री दी सरबत दा भला सोचो, और उस तो बाद बैठे रहो, टाइम दो खुदा नू 24 आवर दो, नहीं दे सकते 24 घंटे जे 12 घंटे दो, 12 घंटे नहीं दे सकते पार्ट टाइम करो, पार्ट टाइम गवाहियां नहीं दे सकते है पैसे दे द्वारा योगदान लगा सकते हो। पैसे दे द्वारा अगर योगदान नहीं है, पैसा नहीं है किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कदों क्या थोनू नहीं है कोई गल नहीं, कला पैसे ही तो योगदान नहीं है, पर इहदा मतलब ए भी नहीं है कि पैसा साडे कोले कदे आंदा नहीं है, आंदा जरूर है, पर अपने बाइबल दे विच लिखा है असी मलाकी दी किताब 3:10 आयत नूं पढ़दे हां, लास्ट उस तो बाद खत्म करदे हां। मलाकी दी किताब 3:10 सारा दशवांश मेरे भंडार में ले आओ, मेरे भवन में भोजन वस्तु की घटी ना रहे। सेना दा यहोवा यू कहता है, एदा दा करके जड़ा है परमेश्वर नु परख के देखो, आकाश के झरोके तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार वर्षा करता हूं या नहीं। तुसी देखो इस गल नूं सही जगह दे उत्ते जिहड़ा है, अज लोग कहंदे जी असी बहुत दान दशवांश दित्ता, हो सकदा है तुसी पर सही जगह दे उत्ते जिहड़ा भेंट पहुंची है नहीं पहुंची है, यह मायने रखती है। जदों सही जगह दे उत्ते भेंट कबूल हो जाऊगी तो परमेश्वर की आशीष भी जिहड़ी उसे दिन खुल जानी है। आमीन। ते हां जी अगे पढ़ दो, मैं जेड़ा थोनू नाश करन वाला है उसनू गुड़काऊंगा, जेड़ा थोड़े बीमारियां लेके आंदा है और जेड़ा थोड़े परिस्थितियां लेके आंदा है, जेड़ा थोड़े उत्ते जेड़ा गलत रीते दे नाल जेड़ा डॉक्टरां तो लेके या किसी भी प्रकार दे वेदा हकीमां कोले जेड़े थोड़े पैसे लगते हैं या किसी भी प्रकार दे जेड़े तुसी व्यर्थ पैसा थोड़ा लग रहा है, उसनू कहिंदा मैं डांटूंगा। बोलो हालेलुया।
और मलाकी जो असं पढ़ते हैं उसकी तीन उसके विच लिखा तुसी परमेश्वर नूं ठगदे हो। इस करके असी परमेश्वर नूं ठगना नहीं है। जो राइट बनता है वह परमेश्वर के योगदान के लिए असी हमेशा तैयार रहना। असी देखो मैं अपनी दिहाड़ी छड़दा, मैं अपनी मजदूरी छड़दा, तुसी भी इस गल के गवाह हो। थोनों भी पता मैं तीन तीन चार चार दिन कई बार मैं मजदूरी छड़नी पैंदी है। ते ओ मजदूरी किस लिए छड़दा मैं? मेरे लिए या परमेश्वर दे इस भवन दे और थोड़े सब कलीसिया दे योगदान दे लिए? बोलो भाई बोलो। सरबत दे भले दे लिए क्यों छड़दा मैं? सब दे भले दे लिए इस करके मैं छड़दा है। नहीं तो मैं आपदी दो वक्त की रोटी खावा ते मैनू की जरूरत पई है। इस करके जिहड़ा है मैं सरबत दा भला सोचदा है, मैं सैल्फिश नहीं है। इस करके जे तुसी सरबत दा भला चाहते हो, मसीह कलीसिया दी देह दी उन्नति चाहते हो, चर्च दी डिवेलपमेंट चाहते हो, तो मैं चाहूंगा कि तुसी आने वाले दिनों के अंदर जिहड़ा है अपने योगदान के प्रति वफादार रहो। सो इन्ना कहते हुए यह वचन जिहड़ा है परमेश्वर जिहड़ा थोड़े जिंदगियां दे विच प्रतिफल जिंदगियां दे विच बड़ी आशीष नूं लैके आवे। आमीन। सारे नूं मेरे वल्लों जय मसीह दी।